बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी मैं बनाना ब्रेड बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी मेथड है, आसानी के साथ बन जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो कैसे बनेगी, तो आइए देखते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास बनानास होने ज़रूरी हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने 3 बनानास ले लिए थे। इनको मैंने छील लिया था। थोड़े से सॉफ़्ट होने चाहिए बनाना, बिल्कुल सख्त नहीं होने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सॉफ़्ट हैं। अब इनको अच्छा सा मैश करना है, तो मैं यहाँ पर इनको मैश कर लूँगी। बनानास को बहुत अच्छी तरह से मैश करना है। तो ये देखिए, इसको बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथली मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, बनानास को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया था। बहुत ही स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो गया था। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 कप आइसिंग शुगर ले ली थी। पाउडर शुगर है ये। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप घर की सादी जो चीनी होती है उसको आप पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। तो 1 अदद मैंने अंडा ले लिया है। अंडे को इसमें ऐड कर दिया है। तो अंडा ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून वनीला एसेंस ले लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर दालचीनी का पाउडर है, इसको मैंने फ्रेशली अच्छा सा पाउडर बना लिया था। तो यहाँ पर दालचीनी का पाउडर फ्रेश ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छी जो है खुशबू भी आती है, फ्लेवर भी आता है। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा और फ्रेश सिनेमन पाउडर ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए, अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बीट करना है, इतना अच्छे तरीके से कि चीनी पाउडर शुगर जितनी भी है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया था। मैदे को अच्छी तरह से छान लूँगी और यहाँ पर मैदा छान कर ऐड करना है। तो यहाँ पर तमाम मैदे को मैं इस तरह से छान कर इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लूँगी। तो ये देखिए, बेकिंग पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम छान कर इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, तमाम चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर लूँगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से यकजा हो जाएं। बहुत अच्छी तरह से हमें बीट करना है इन तमाम चीज़ों को। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध ले लिया था। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, रूम टेम्परेचर पर दूध था और मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और फिर से इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। एक अच्छा सा इसका टेक्स्चर होने तक इसको अच्छी तरह से बीट करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए, एक स्मूथ सा मिक्सचर इसका तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 कप ऑयल ले लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल है ये, कोई शार्प स्मेल नहीं होनी चाहिए इसकी। तो ये देखिए, मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स करना शुरू कर दिया है। अब ये बहुत ही स्मूथ सा बैटर इसका तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने मोल्ड ले लिया था, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया और ऊपर से मैदा छिड़क के डस्ट कर दिया था। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी इस पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम बैटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से तमाम बैटर इसमें ऐड कर देना है। तो ये देखिए, तमाम बैटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ऊपर से छोटे छोटे पीसेस में मैंने चॉकलेट कट करके रखी थी और इसमें ऐड कर दी है। अगर आपके पास चॉकलेट चिप हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं।
इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है और मज़े की हो जाती है बनाना ब्रेड, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट किया हुआ पतीला रखा था और उसमें मैंने ये मिक्सचर रख दिया है। तकरीबन मैं इसको 30 से 35 मिनट के लिए रख दूँगी और फिर उसके बाद चेक करूँगी। तो ये देखिए 30 से 35 मिनट मुझे इसको लगे थे और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनाना ब्रेड बिल्कुल तैयार है और इंतहाई मज़े की खुशबू आ रही थी। अब मैं इसको डिमोल्ड कर रही हूँ, बहुत ही ईजी मेथड है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, आराम से खुद ही साइडों से हट जाएगी। तो ये देखिए गर्मा गर्म सी मज़ेदार सी फ्रेश बनाना ब्रेड बिल्कुल तैयार है। अब इसके पीसेस कट करेंगे और चेक करेंगे ये कैसी बनी थी। अभी ये बहुत गर्म हो रही थी तो मैंने फिर भी इसको कट कर दिया है, आप थोड़ी ठंडी करने के बाद कट कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी बिल्कुल फ्रेश बेक हुई थी, बहुत ही इजी मेथड है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबको ही बहुत पसंद होती है ये, तो बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत ही मज़े की होती है ये, तो ज़रूर बनाकर बच्चों को दिया करें, ये बहुत ही हेल्दी होती है, बच्चे भी शौक से खाते हैं और बन भी आराम से जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आराम से इजीली बनने वाली चीज़ी सी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही आसानी के साथ और झटपट से मिनटों में तैयार हो जाएगी, लेकिन इतनी मज़ेदार होगी, इंतहाई लजीज और बहुत ही चीज़ी सी हम इसको तैयार करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने खुद तैयार की है। बहुत ही ईजी वे में आसानी के साथ ये कैसे तैयार हो जाएगी और सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी, बच्चे तो आपसे ये फरमाइश कर करके बनवाया करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले नीम गरम दूध ले लिया है, ये तकरीबन 1 कप के बराबर दूध है जिसको मैंने हल्का सा गरम कर लिया है। तो नीम गरम दूध में हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून ईस्ट ऐड करेंगे, इंस्टेंट ईस्ट है तो ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, तो इसको बस मिक्स करना है अच्छी तरह से और कुछ देर के लिए इसको ढक के छोड़ देना है ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप मैदा ले लिया था, मैदे को बहुत अच्छी तरह से छान लेना है। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया, नमक ऐड करने के बाद अच्छा सा इसको मिक्स करना है ताकि नमक अच्छा सा मिक्स हो जाए मैदे के साथ। अब यहाँ पर ये देखिए ये एक्टिवेट हो गई है, ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिवेट हुई है। अब इस दूध को इसमें आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करना शुरू कर देंगे, तो थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से इस तमाम बैटर को इसमें मिक्स करना है मैदे में। बस यहाँ पर मैं तमाम बैटर इस तरह से मिल्क का इसमें ऐड करती जा रही हूँ, हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें। अच्छी सी इसकी एक डो तैयार करनी है, ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो बस यहाँ पर अब मैंने इसको अच्छे से डो तैयार कर ली है, सॉफ्ट डो है, ऑयलिंग कर दी है, इसको ढक के किसी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि अच्छी सी राइज हो जाए 1 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून बटर ले लिया था, बटर को अच्छा सा सॉफ्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको अच्छा सा फेंट रही हूँ, मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून हरा धनिया ले लिया था, फ्रेश कोरिएंडर है ये, इसको बारीक कट कर लिया था, लहसुन के जवे लिए थे 6 से 7 अदद, इनको भी बारीक चॉप कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया। बटर के साथ इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और इसको एक साइड पर रख दिया। अब यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है, इसको ऑयलिंग कर लिया था, ऑयलिंग करने के बाद मैंने इसके ऊपर बटर पेपर इस तरह से सेट कर दिया है। बटर पेपर लगाने के बाद मैं इस पर भी ऑयलिंग कर दूंगी ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए, फिक्स हो जाए। तो ये देखिए डो बहुत अच्छी सी राइज हो गई है, इसको मैंने अच्छा सा दोबारा से पंच किया। अब इसमें तमाम डो को इस तरह से डाल दिया है, हाथों की मदद से मैं प्रेस करती जाऊँगी और इसको फैला दूँगी पूरी डिश में। ईज़िली हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से काम हो जाता है, हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा हाथों पर ताकि ये चिपके नहीं। बस इसको बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है पूरे डिश में। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको पूरी डिश में फैला दिया है।
अब इस तरह से मैंने इस पर कट लगाना शुरू कर दिए हैं। थोड़े से डीप कट लगाएंगे, स्क्वायर शेप में इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं तमाम डो पर इस तरह कट लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली थी इस तरह से स्लाइस में, और इनको इस कट के अंदर इस तरह से एडजस्ट करती जाऊँगी। तमाम स्लाइस इस तरह से मोज़रेला चीज़ के इस पे लगाते जाने हैं। अच्छी तरह से तमाम कट्स पर फिल कर देना है हमें तमाम चीज़ के पीसेस को। तो ये देखिए तमाम पीसेस मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। चीज़ अपने पसंद के हिसाब से आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितनी आपके बच्चों को आपको पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। इसमें चीज़ ज़्यादा मज़े की लगती है इसलिए मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। बस तमाम पीसेस पर इस तरह से कट लगे हुए मैं इस तरह चीज़ लगाती जा रही हूँ। चीज़ से इसका टेक्सचर बहुत ही चीज़ी सा, बहुत ही मज़े का हो जाता है, तो चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा। बस अच्छी तरह से तमाम डो पर मैं तमाम चीज़ को इस तरह से लगाती जा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से तमाम उसमें लग जाए। अब यहाँ पर मैंने जो बैटर और हरा धनिया और गार्लिक को इस तरह से चॉप करके मिक्स करके रखा था वो इस पर लगा दूँगी। अच्छी तरह से लगाना है तमाम डो पर इस तरह से ये बटर वाला बैटर लगा देना है ताकि एक अच्छा सा इसमें कलर आए और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जब ये बेक होगा। तो बहुत अच्छी तरह से लगाइएगा, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल कर आता है हरा धनिया और गार्लिक के बटर के साथ। तो बस इसको मैं तमाम को लगा दूँगी और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा से रेस्ट दूँगी ढककर ताकि ये अच्छी सी दोबारा से राइस हो जाए। ऊपर से मैंने रेड चिली क्रश ऐड की है, बहुत हल्की सी लगाई है, आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत हल्की हल्की लगाई है। तो बस अच्छा सा एक फ़्लेवर आ जाएगा चिली का। अब इसको बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे। मैंने इसको प्री हीट किया था ओवन को, तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी, तकरीबन मुझे इसको बनाने में 30 मिनट्स लगे थे और ये बहुत अच्छी सी बेक हो गई थी। बस अब मैंने इसको ऊपर से हल्का सा कलर दिया था और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी घर में ही चीज़ी गार्लिक ब्रेड बिल्कुल तैयार है। साफ़ सुथरे तरीके से आप अपने हाथों से घर में तैयार करें, बच्चों को दें, सबको ही बहुत ही पसंद आएगी ये यकीनन। बहुत आसान सी इसी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैं दोबारा से बटर लगा रही हूँ ताकि इसकी खुशबू और मज़े की हो जाए, सॉफ़्ट हो जाए। वैसे तो ये बहुत ही मज़ेदार सी सॉफ्ट सी तैयार हुई थी। तो बस जितना आपको पसंद हो आप उतना ही गार्लिक बटर वाला बैटर लगा सकते हैं। अब तमाम पे मैं इस तरह से लगा दूँगी लास्ट में और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए, एब्जॉर्ब कर ले तमाम बटर को। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सॉफ़्ट हो गई थी और एब्जॉर्ब कर लिया इसने बटर। अब दोबारा से मैं उसी कट को इस तरह से कट कर रही हूँ पीसेस में, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी सी तैयार हुई थी ये, बहुत ही पसंद आएगी आपको भी, यकीन नहीं आएगा ये आपने ही बनाई है घर में। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है, इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को दीजिएगा, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और ये थोड़ी ठंडी भी हो गई है, अब ये सर्व कर सकते हैं बहुत ही आराम से, तमाम घर वालों को दीजिए। रमज़ान में बनाइए, सबसे दुआएं लीजिए, बहुत ही मज़े की तैयार होती है ये और आसानी के साथ बन भी जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पे ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो ये देखिए कितनी स्पंजी सॉफ्ट सी तैयार हुई है ये, सभी को बहुत पसंद आएगी ये, घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कैसी बनी थी। ये देखिए कितना जालीदार सा इसका टेक्सचर हुआ है, बहुत ही चीज़ी सी सॉफ्ट सी तैयार होती है ये। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी ये लग रही है।
तो चलती हूँ फिर, हाजिर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।